दोस्तों आज हम रेसलिंग के एक ऐसे महान सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिसे रेसलिंग जगत का भगवान माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार दी अंडरटेकर के बारे में बात करेंगे। याद कीजिए वह दौर जब अंडरटेकर अपने ताबूत से निकलकर अचानक से रिंग के अंदर आ जाते थे, जिसे देखकर उस समय हर कोई हैरान हो जाता था। अंडरटेकर ने अपने पूरे कैरियर में हमें ऐसी बहुत सी यादें दी है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। मरकर वापस जिंदा हो जाना, कब्र से निकलकर डायरेक्ट रिंग में आ जाना, लोगों को जान से मार डालने जैसे कारनामे सिर्फ अंडरटेकर ही कर सकते थे, और ऐसा करना भी अंडरटेकर के लिए ही फेमस है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसे अंडरटेकर के करीबी ही जानते हैं, तो चलिए आज आपको भी बताते हैं अंडरटेकर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जिसके बारे में आप नहीं जानते। और दोस्तों अंडरटेकर के बारे में ये बात जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों ये बात बेहद ही कम लोग जानते हैं कि पहले दी अंडरटेकर के मैनेजर ब्रूस पिचार्ड थे। अंडरटेकर के करीबी बताते हैं कि एक बार शो खत्म होने के बाद अंडरटेकर किसी दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन समय की कमी के वजह से उन्होंने अपना लुक और गेटअप भी नहीं बदला था। उनके साथ पिचार्ड भी थे और वो लोग रास्ता भटक गए थे। तभी वहाँ के किसी लोकल आदमी से पिचार्ड ने रास्ता पूछा, लेकिन वहाँ का लोकल आदमी दोनों बाहरी आदमियों को देखकर रौफ झाड़ने लगा। उस समय रात का अंधेरा हो रहा था, इस वजह से उस लोकल आदमी ने सिर्फ पिचार्ड को ही देखा था, लेकिन सीट के पीछे बैठे 7 फीट के आदमी को वह देखना भूल गया था। लेकिन जब उस आदमी ने कार में थोड़ी ताका झाकी की और इसके बाद उसने जब अंडरटेकर के डरावने चेहरे को देखा, तो उसने डर के मारे पिचार्ड को साफ साफ रास्ता बता दिया। दोस्तों ब्रूस पिचार्ड बताते हैं कि वो आदमी इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अंडरटेकर को हत्यारा तक बता दिया था। दोस्तों बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि पुराने समय में अंडरटेकर की कंपनी में एक टीम हुआ करती थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ द डार्कनेस कहा जाता था, और इस टीम के प्लेयर भी काफी डरावने हुआ करते थे। लोग बताते हैं कि इस टीम से सभी डरा करते थे, क्योंकि अंडरटेकर बने मार्क केबले का पूरा प्रोफाइल ही डर पर आधारित था। लेकिन साल 2000 में अंडरटेकर के लुक के साथ थोड़ा सा बदलाव किया गया, जिसमें अंडरटेकर बाइक से आने लगे। दोस्तों अंडरटेकर से ही जुड़ी एक बात यह भी है कि अंडरटेकर हमेशा से ही विंस मैकमैन के काफी वफादार रहे हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंडरटेकर के साथ विंस मैकमैन और कर्ट एंगल चार्टर्ड प्लेन से कहीं जा रहे थे। अंडरटेकर उस दिन काफी ज्यादा थक चुके थे, इस वजह से उन्हें प्लेन में नींद आ गई, लेकिन विंस मैकमैन और कर्ट एंगल को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए प्लेन में उन दोनों ने थोड़ी हाथापाई करना शुरू कर दी। दोस्तों ये दोनों बस एक रेसलिंग मैच का रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा शोर शराबा होने की वजह से दी अंडरटेकर की नींद खुल गई, और उन्होंने जब देखा कि कर्ट एंगल उनके बॉस पर हमला कर रहा है, तो फौरन ही अंडरटेकर ने कर्ट एंगल की गर्दन पकड़ ली। लेकिन बाद में जब सभी ने सच्चाई बताई कि वो दोनों सिर्फ एक रिहर्सल कर रहे थे, तो तब जाकर अंडरटेकर ने कर्ट एंगल को छोड़ा, और इसी वजह से विंस मैकमैन अंडरटेकर को आज भी बहुत मानते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब दी अंडरटेकर ने पहली बार रेसलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था, तो अपनी पहली ही फाइट में उन्हें ब्रूस और रोडी के हाथ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर इसके बाद ब्रूस और रोडी कभी भी दी अंडरटेकर को दोबारा हरा नहीं सके। दोस्तों अंडरटेकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कई बार उन्हें काफी खतरनाक फाइटों के दौरान कोमा में भी जाना पड़ गया था। इसी वजह से दी अंडरटेकर को डेड मैन भी कहा जाता है, क्योंकि दी अंडरटेकर ऑलमोस्ट मरने के बाद भी जिंदा हो जाते थे, और अंडरटेकर को डेड मैन कहना भी गलत साबित नहीं होगा। दोस्तों ब्रूस पिचार्ड के बाद अंडरटेकर के जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजर बने वो थे पॉल वेयरर, जो खुद भी किसी भूत से कम नहीं दिखते थे। दोस्तों WWE स्टोरी लाइन के हिसाब से पॉल बेयरर अंडरटेकर की आत्मा को एक कलश के अंदर रखा करते थे, और कहा जाता था कि दी अंडरटेकर की सारी शक्तियां इस कलश के अंदर ही मौजूद होती थी। दोस्तों पॉल बेयरर के बारे में आप ये बात जानकर बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि WWF में आने से पहले पॉल बेयरर मौत के सौदागर हुआ करते थे, क्योंकि ये रेसलिंग मैनेजर होने से पहले एक फ्यूनरल डायरेक्टर हुआ करते थे।
इनका काम था कि मृत व्यक्ति को कासेट में कैसे रखना है, कासेट का साइज कितना होगा, कासेट को दफन कैसे करेंगे, ये सभी काम पॉल बेरर किया करते थे। दोस्तों आपने दी अंडरटेकर के सिग्नेचर मूव वाले स्टाइल को तो देखा ही होगा, जिसमें कि वो अपने सिग्नेचर मूव लगाने से पहले किसी बिल्ली की तरह चेहरा बना लेते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इनको इस सिग्नेचर मूव का आइडिया कहां से आया? दोस्तों एक बार दी अंडरटेकर एक WWE सुपरस्टार के साथ प्लेन से कहीं जा रहे थे, तभी उस सुपरस्टार को प्लेन के अंदर नींद लग गई। ये देखकर अंडरटेकर ने उसे डराने का प्लान बना लिया। इसके बाद अंडरटेकर ने उसे हिलाकर उठा दिया और उसके सामने बिल्ली की तरह चेहरा बनाकर खड़े हो गए, जिसे देखकर वो सुपरस्टार काफी ज्यादा डर जाता है और तभी से दी अंडरटेकर ने इसे अपना सिग्नेचर मूव स्टाइल बना लिया। दोस्तों दी अंडरटेकर के बारे में बताई गई ये गुप्त जानकारियां आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।